In this video of interpretation of statutes, we are going to deal with the concept of doctrine of separation of power. Second, the primary function of judiciary with one leading case law. तो इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. वी विल डील विथ प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी अलोंग विथ वन लीडिंग केस लॉ. अगर हम अपने अब तक के डिस्कशन को रिकैप करें तो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया. हमने स्टैट्यूट वर्ड के कंप्लीट मीनिंग को समझा, इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने जाना और हमने डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी डिस्कस किया और हमने ऑब्जेक्ट पर्पस एंड स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में बात किया. तो अब तक हमने इन चार पांच टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात कर लिया है. आज इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करेंगे. राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. When we talk about the organs of democracy, तो basically democracy के four pillars हैं, four organs हैं. The very first one is legislature, second is executive, third is judiciary, and last one is press or media. इन चारों organs का अपना importance है और अपना areas of work है. चार ऑर्गन्स एक दूसरे से अलग हैं. दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज और इनके अपने अपने फंक्शंस हैं. कोई बॉडी दूसरे बॉडी के अंडर में नहीं है, यानी अपना अपना क्या है, फ्रीडम है, ताकि इंडिपेंडेंसी बनी रहे. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि लेजिस्लेचर का अपना वर्क है, एग्जीक्यूटिव का अपना वर्क है, अपना इंपॉर्टेंस है, और जुडिशरी का अपना वर्क है. तीनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, और तीनों का अपना एरिया ऑफ वर्क है. क्योंकि अगर हम किसी एक ऑर्गन को एक्सेस पावर्स दे देते हैं तो देयर इज चांस ऑफ आर्बिट्रेरिनेस, देयर इज चांस ऑफ misuse of power by that organ. Right. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं. मॉन्टेस्क्यू किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करते हैं. The doctrine of separation of power means that one person or body of persons, तो ये कहते हैं one person or body of persons should not exercise all types of powers. तो कोई एक person या body of persons के पास सभी powers नहीं होने चाहिए. And when we talk about all types of power, it means हम बात कर रहे हैं legislature, executive and judiciary. Power of legislation, power of execution or implementation of laws, as well as judicial powers. तो किसी एक पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन के पास सभी प्रकार के पावर्स, यानी ऑल टाइप्स ऑफ पावर्स, मस्ट नॉट बी कन्फाइंड ओनली इन वन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन. ईच ऑफ दीज पावर्स शुड बी वेस्टेड
इन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट ऑर्गन। इसलिए आप देखोगे कि लेजिस्लेशन का जो काम है वो लेजिस्लेचर का है या पार्लियामेंट का है, एग्जीक्यूटिव का पावर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ से है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ से है, और जुडिशियरी बेसिकली इंटरप्रिटेशन का काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने का काम जुडिशियरी करती है। तो तीनों का क्या है, अपना अपना पावर है और तीनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है। कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के एरिया ऑफ वर्क में किसी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए आप देखोगे कि व्हेनेवर द लेजिस्लेचर यूज टू मेक द लॉ, लॉ बनाने का जो पावर है वो केवल और केवल लेजिस्लेचर के पास है। जुडिशरी इज नॉट गोइंग टू मेक द लॉज, जुडिशरी केवल और केवल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज कर सकती है, लॉ को बना नहीं सकती है। जुडिशरी यूज टू चेक दैट वेदर द लॉज मेड बाई लेजिस्लेचर, क्या वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, क्या वो लॉज किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वॉयलेट करती है या नहीं करती है। अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड स्ट्रक डाउन करने का जो पावर है वो जुडिशरी के पास है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है जुडिशरी का वो क्या है, इज टू एक्सपाउंड द लॉ, इज टू इंटरप्रेट द लॉ, राइट। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। तो ये जो तीन ऑर्गन्स हैं इनके बीच पावर्स क्या है, सेपरेट किया गया है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, और सबका अपना अपना क्या है, एरियाज ऑफ वर्क है। देयर कैनॉट बी एनी लिबर्टी इफ ऑल दीज पावर्स और एनी ऑफ टू ऑफ देम आर वेस्टेड इन सेम ऑर्गन और सेम इंडिविजुअल। अब जरा सपोज करो कि अगर सभी पावर्स किसी एक बॉडी या किसी एक ऑर्गन में वेस्ट कर दिया जाता है, इफ ऑल द पावर्स, ऑल द पावर्स मींस पावर ऑफ लेजिस्लेशन, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एज वेल एज जुडिशियल पावर्स अगर किसी एक ही बॉडी में सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर विल बी चांस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। अगर किसी एक बॉडी को सभी पावर्स मिल जाते हैं तो वो अपने पावर का मिसयूज करेगा और हमारे स्टेट में, हमारे सोसाइटी में बैलेंस नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू वेट एंड फिलिप्स, तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मींस दैट वन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स शुड नॉट एक्सरसाइज ऑल टाइप्स ऑफ पावर, ब्रैकेट पावर ऑफ लेजिस्लेशन, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड जुडिशियल पावर्स, ईच ऑफ दीज पावर्स शुड बी वेस्टेड इन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट ऑर्गन्स, देयर कैनॉट बी एनी लिबर्टी इफ ऑल दीज पावर्स और एनी ऑफ टू आर वेस्टेड इन सेम ऑर्गन और सेम इंडिविजुअल, राइट। ओके, अब वेज एंड फिलिप्स किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करते हैं, वेज एंड फिलिप्स। तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप इन द वर्ड्स ऑफ मॉन्टेस्क्यू और इन द वर्ड्स ऑफ वेज एंड फिलिप्स यू मे डिफाइन। वेज एंड फिलिप्स सेपरेशन ऑफ पावर को तीन चीजों के थ्रू कहते हैं, यानी ये बेसिकली तीन पॉइंट्स में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझाते हैं, राइट। तो वेट एंड फिलिप्स के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर मे मीन द फॉलोइंग थ्री डिफरेंट थिंग्स, तीन चीजें। पहला, द सेम सेट ऑफ पर्सन्स शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन और थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोई एक बॉडी या पर्सन गवर्नमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म का पार्ट नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज वन पर्सन जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट एट द सेम टाइम नहीं होना चाहिए।
एज वेल एज वो जुडिशरी का पार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा, वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल और इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस ऑफ अनदर ऑर्गन। तो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को किसी तरह से कंट्रोल या दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस में या एरियाज ऑफ वर्क में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तीसरा, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ अनदर। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल या एक्सरसाइज नहीं करता है। तो अगर ये तीन फीचर्स हैं तो बेसिकली हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं इन द वर्ड्स ऑफ वेड एंड फिलिप्स, राइट। तो आई होप कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। नाउ we will deal with our next topic, which is primary function of law. अगर आपने मेरे अब तक के वीडियोस को अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जुडिशरी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। The primary function of judiciary is to expound the law, yani to decode the law with the aim of extracting the intention of legislature. Judiciary ka primary function kya hai? Legislature ke intention ko derive karna, aur ye kaam judiciary interpretation ke madhyam se karti hai, right? The judicial organ of the state has been assigned the primary of interpreting the law laid down by legislative organ. तो अगर हम एक state के judicial organ के बारे में बात करें तो उसका primary task क्या है? Interpretation of laws है, which is made by legislative organ, because while deciding the disputes between the parties before it, the judiciary has to assign a clear, unambiguous and definite meaning. Judiciary basically क्या करती है? Interpretation के माध्यम से जो words, जो text लिखे गए होते हैं statutes में, उनके clear meaning को, definite meaning को find out करने की कोशिश करती है, ताकि किसी प्रकार का कोई ambiguity ना हो, right? Moreover, the legislature cannot foresee all the situations which may arise in future in a particular case, and it is here that the judiciary applies the law to a particular situation, may giving a holistic meaning to the words used in the act. So basically, as per the situations which the judiciary is facing currently, us situation ke hisab se, ki us particular situation ko cope karne ke liye, to cope with the करेंट सिचुएशन, हमें किस मीनिंग को डिराइव करना चाहिए ताकि हम लेजिस्लेचर के इंटेंशन को बखूबी डिराइव कर सके, उस पे फोकस रहता है जुडिशरी का, राइट। बाय इंटरप्रेटिंग द लॉ द जुडिशरी प्राइमरली मेक्स द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर क्लियर बाय एक्सपाउंडिंग द एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय लुकिंग एट देम इन द लाइट ऑफ स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट। तो बेसिकली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी is to expound the law, is to derive the intention of legislature either expressly or impliedly by giving the words their natural meaning which are used in statute by the legislature, right? Legislation is that source of law which consists in declaration of legal rules by a competent authority. So what is legislation? It is basically a source of law. लॉ का वो सोर्स है जो बेसिकली लीगल रूल्स के बारे में, उनके डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है बाय कॉम्पिटेंट ऑर्गन। तो लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेचर करता है बाय डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स। तो व्हाट इज लेजिस्लेशन? इट इज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज
when judges by judicial decisions lay down a new principle of general application of nature specifically reserved for the legislature, they may be said to have been legislated and not merely declared the law, which is only their primary function. So basically, अपने अब तक के डिस्कशन को अगर हम समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है. जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है. लेजिस्लेचर के इंटेंशन को डिराइव करना जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन है. एज वेल एज इट इज द ओनली फंक्शन ऑफ जुडिशरी, क्योंकि लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेचर का है. लेजिस्लेचर by legislation used to declare the legal rules. और statutory provisions में जिन words, जिन text का use किया गया है judiciary, उन words के natural meaning को derive करते हुए legislation के intention को before the people, before the population रखती है. Right? एक केस है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट इन वी के रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. वी के रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द जजेस शुड नॉट प्रोक्लेम दैट दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ लॉ मेकर्स. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये कहा कि जजेस को अपने आप को यह नहीं शो करना चाहिए कि लॉ वही बना रहे हैं, या जजेस को यह क्लेम नहीं करना चाहिए कि दे आर लॉ मेकर्स. सिमिलरली द कोर्ट कैनॉट डायरेक्ट द लेजिस्लेचर टू मेक अ पर्टिकुलर लॉ. और इसी तरह से जो कोर्ट्स हैं वो लेजिस्लेचर को डायरेक्ट नहीं कर सकती हैं कि आप लॉ बनाओ. एज दिस इज क्लियरली इललीगल फॉर जजेस, दे कैनॉट लेजिस्लेट, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है. तो एक तरफ जजेस अपने आप को लॉ मेकर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट भी लेजिस्लेचर को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप लॉ बनाएंगे, क्योंकि वो जो पावर है, वो जो फंक्शन है, वो लेजिस्लेचर का है. दस कोर्ट्स हैव टू फंक्शन विद इन द एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज. कोर्ट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल टू सी दैट दे डू नॉट ओवरस्टेप देयर लिमिट्स, because to them is assigned the sacred duty of guarding the constitution. Right? तो इस तरह से जो courts हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उन्हें भी within the ambit of constitution काम करना है. उनका जो काम है वो उसी particular काम पर strong रहे, और वो किसी भी तरह से legislature के function में किसी प्रकार से कोई interference ना करें. इंटरप्रिटेशन का काम उनका है तो वो इंटरप्रिटेशन का काम भी करें. वो ये इंश्योर करें कि जो भी लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है. अगर है तो कोई प्रॉब्लम जुडिशरी को नहीं होना चाहिए. राइट? पॉलिसी मैटर्स, फिशल, एजुकेशनल और अदरवाइज आर दस बेस्ट लेफ्ट टू द जजमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव. इट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड दैट कोर्ट कैनॉट रन द गवर्नमेंट. तो जुडिशरी को ये ख्याल रखना होगा कि पॉलिसी बनाना, फिजिकल, एजुकेशनल, ये सभी जो पॉलिसीज बनाने का काम है वो एग्जीक्यूटिव का है, और जुडिशरी किसी तरह से सरकार चलाने वाली नहीं है. राइट? तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन वीके रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इस पर्टिकुलर केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से समझा दिया. तो आई होप कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आप एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप इन द वर्ड्स ऑफ मॉन्टेस्क्यू व्हाट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मींस, एज वेल एज इन द वर्ड्स ऑफ वेज एंड फ्लिक्स व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बाय थ्री पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरे वीडियो किसी भी मैनर में आपको दूसरों से अलग लगते हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू. नाइस डे.